एलओसी पर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 सैनिक ढेर कर दिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि उसके ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच चीन की कंपनी अलीबाबा ने भारत में अपने निवेश की योजना पर रोक लगा दी। पुलवामा हमले की चार्जशीट में NIA ने हमले के लिए पाकिस्तान के बैंक से 10 लाख रुपए भेजे जाने का दावा किया। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय कुछ हथियारों के आयात पर रोक लगाएगा, जिनकी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक कंटेनर में लदे करीब 2 करोड़ रुपए के मोबाइल बदमाशों ने लूट लिए। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स विभाग ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। नीट और JEE मामले में विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को खत लिखा, जिसमें नीट और JEE की परीक्षा टालने की मांग की गई। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर बैठक की और एक बार फिर कोरोना टेस्ट 2 गुनी रफ्तार से करने का फैसला किया। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। 1 दिन के सत्र में 12 बिल हुए पास। कांग्रेस ने शकील अहमद का निलंबन वापस ले लिया, जिन्हें बिहार में मधुबनी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाल दिया गया था। संसद भवन के पास से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई। अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने GDP बढ़त दर पर PM मोदी की तारीफ की। दिल्ली सरकार ने पोस्ट कोविड क्लिनिक की शुरुआत की, जिसमें कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों में फिर से लक्षण आने पर उनका इलाज किया जाएगा। दिल्ली BJP अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक खत लिखा और राजधानी में जिम खोलने की मंजूरी देने की मांग की। CM ममता बनर्जी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए सभी राज्यों को PM केयर्स फंड से मदद देने की मांग की। दावा किया गया कि कर्ज की वजह से दिल्ली के चांदनी चौक में गहने की दुकान चलाने वाले 2 भाइयों ने खुदकुशी कर ली। UP के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दखल देने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना के खतरे और इससे हो रही मौतों पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही इस पर काबू पाने के लिए सरकार से रणनीति मांगी। कांग्रेस ने पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह समेत 5 सदस्यों की कमेटी बनाई, जो केंद्र के अध्यादेशों पर पार्टी की राय तय करेगी। पंजाब में कांग्रेस विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह कोरोना की चपेट में आ गए। महाराष्ट्र के परभणी से शिवसेना सांसद संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा भेज दिया और अपने इलाके की कुछ कमेटियों में NCP नेताओं की तरजीह देने पर नाराजगी जाहिर की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक मकान की छत गिरने से कई लोग घायल हो गए। ये सभी लोग शहीद जवान मनीष विश्वकर्मा की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। दिल्ली में JNU कैंपस में एक मकान के अंदर सांप मिलने से अफरा तफरी मच गई। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने 25 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की। JNU के कुलपति ने नीट और JEE की परीक्षा समय पर किए जाने का समर्थन किया। राजस्थान में सभी नियमों का पालन करते हुए 7 सितंबर से आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। दिल्ली में 3 नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। कश्मीर में भारी बारिश से कई जगहों पर जमीन खिसकने से सड़कें बंद हो गई। दिल्ली सुख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा परिसर में दवाई की दुकानें खोलने का फैसला लिया, जिसमें जरूरतमंदों को सस्ती दवाइयां दी जाएंगी। लखनऊ में 2 बसों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं। CISF ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। प्रयागराज में प्रशासन ने बाहुबली नेता और विधायक अतीक अहमद की 7 संपत्तियां जब्त कर ली। रिया मामले में ड्रग्स तस्कर गौरव आर्य की तलाश में NCB ने गोवा के कुछ इलाकों में छापेमारी की। दिल्ली BJP ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि वो कोरोना संकट में लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा देने में नाकाम रही। साथ ही BJP ने केंद्र से मेट्रो चलाने की मांग भी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काट रहे विकास यादव की पैरोल याचिका खारिज कर दी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में होटल एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए होटल खोलने का फैसला लिया। दिल्ली के पास नोएडा की एक फैक्ट्री में आग लग गई। पटना नगर निगम पर्यावरण को बचाने के लिए सितंबर में साइकिल योजना शुरू करेगा, जिसके तहत तो लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल किराए पर ले सकेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों को देवघर में वैद्यनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने की इजाजत दे दी। मध्य प्रदेश में करीब 10 महीने बाद पुलिस वालों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलनी शुरू हो गई। दिल्ली हिंसा के आरोपी शर्जील इमाम को कड़कड़ुमा अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली में NSUI ने नीट और JEE परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। BJP ने राज्यसभा उपचुनावों के लिए जफर इस्लाम को UP से उम्मीदवार बनाया।
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में दो नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। मुहर्रम के मौके पर ताजिया दफन करने की अनुमति की मांग वाली एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। केरल में मार्च से बंद श्री पद्मा भस्वामी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कोरोना होने के बाद से गोवा के अस्पताल में भर्ती केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की तबीयत में सुधार आया। शिरडी में कुछ गांवों के लोगों ने 1 सितंबर से साईं मंदिर खोलने की अपील की और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मदर टेरेसा की 110वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल समेत देश भर में कई जगहों पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। तेलंगाना के करीमनगर में एएसपी के डी मूर्ति की कोरोना से मौत हो गई। कोची में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय में लगी आग के मामले पर प्रदर्शन किया और सरकार पर इस आग में सोना तस्करी केस से जुड़े दस्तावेज जलाने का आरोप भी लगाया। केरल सरकार ने सचिवालय में लगी आग की जांच के लिए कमेटी बना दी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 4 किलो गांजा और अवैध शराब समेत कई चीजें जब्त की। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरियाणा के रोहतक में चोरों ने लूट के बाद एटीएम में आग लगा दी। ओडिशा सरकार ने भी कोरोना संकट के बीच स्कूलों में सिलेबस 30% तक कम करने का फैसला लिया। ओडिशा में नवरात्र तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया। गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर को तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात सरकार ने जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गाड़ी के खाई में गिरने से 4 लोग घायल हो गए। तेलंगाना में हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत देने से इंकार कर दिया। बीजेपी ने गुजरात में पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में अपने 38 पार्षदों को निलंबित कर दिया। एनआईए ने केरल सोना तस्करी मामले में 4 और आरोपियों को पकड़ लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय कानून मंत्री को एक खत लिखा और तेलंगाना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 24 से 42 करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय मिशन ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को और आतंकवाद को लेकर बोले गए झूठ की शिकायत की। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 100 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में सरकार चला रही टीआरएस ने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग की। पश्चिम बंगाल में 9 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। कोरोना के खतरे के बीच ब्रिटेन में अगले हफ्ते से सभी स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई। कोमा में होने की अटकलों के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की स्टार प्रचारक निकी रंधावा हेली ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया और पार्टी के अधिवेशन में नस्लवाद पर ट्रंप का बचाव भी किया। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में आई बाढ़ में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर आए तूफान ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया और 300 से ज्यादा विमानों को भी रद्द करना पड़ा। जीएसटी काउंसिल की कल ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें टू व्हीलर पर 28 की जगह 18% टैक्स करने समेत कई अहम फैसले हो सकते हैं। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 7.5 करोड़ फॉलोवर हो गए और वो इस मामले में एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए। आईपीएल टूर्नामेंट का शेड्यूल रविवार को जारी हो सकता है। दुबई में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद दोनों टीमों ने अभ्यास शुरू कर दिया। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को 22 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि पिछले साल उनकी डोप टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लियोनेल मेसी ने स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को छोड़ने की इच्छा जाहिर की और इसके बाद उन्होंने क्लब के अधिकारियों को एक चिट्ठी भी लिखी। पूर्व भारतीय एथलीट इकबाल सिंह को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर अपनी पत्नी और मां की हत्या का आरोप लगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का ऐलान किया गया, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर से होगी और सभी मुकाबले इंग्लैंड में ही खेले जाएंगे। तैराक वीर धवल खड़े नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए दुबई नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। ग्रीस की टेनिस खिलाड़ी मारिया साकारी ने सेरेना विलियम्स को हरा दिया और वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया, जिसके बाद इंग्लैंड ने यह सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। कैरेबियन प्रीमियर लीग के 11वें मैच में सेंट किट्स ने बार्बाडोस की टीम को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में जमैका ने गयाना को 5 विकेट से मात दी।
कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे ड्वेन ब्रावो ने टी20 क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली पहले जबकि रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले और विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं।